हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रजनी और फैशन ब्लॉगर रजनी में आप लोग का स्वागत है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करती हैं आज की वीडियो। सो गाइस, दिवाली आ रही है और दिवाली के आगे छठ भी है, बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, तो आप लोग के साथ शेयर करना था, इस वजह से मैंने आज एक वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो चलिए, सो गाइज, मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है मिसो से। मैंने मिसो से शॉपिंग की है और फ्लिपकार्ट से भी शॉपिंग की है और मिंत्रा से भी, सारा मिक्स ऑल है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है ये मिसो से वॉल हैंगिंग, ये सेट ऑफ टू में आया है, एक मैंने लगा लिया है, मैं क्लिप ऐड कर दूंगी। ये मुझे कार्टून में आया था, एक छोटा सा बॉक्स था उसमें आया था, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग थी उसकी। जस्ट आजकल तो ये बहुत ही फेमस है, बहुत सारे लोग अपने घरों में इसे लगा रहे हैं, आप इसे एंट्रेंस में भी लगा सकते हैं। यही है वो वॉल हैंगिंग, आप इसे ड्रीम कैचर भी बोल सकते हैं, आप इसे कहीं पे भी लगाओगे, ये बहुत ही अच्छा, इसका बेल की आवाज आती है, बहुत ही खूबसूरत है। ये मल्टी कलर में मुझे रिसीव हुआ है, बहुत सारे डिफरेंट कलर हैं, आप मिसो पे चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं कोड दे दूंगी। और इस तरह से इसमें बीड्स लगे हुए हैं सारे धागे में, और मटेरियल इसका मुझे बहुत हार्ड नहीं है लेकिन सही है, सो पीस पर्पज से ये सही है, बहुत ही खूबसूरत बेल है ये, तो आप अकॉर्डिंग टू योर च्वाइस आप लगा सकते हैं अपने घरों में। गाइज, मेरा सेकेंड प्रोडक्ट मिसो से ही है, ये मैंने फ्रेंड मेरा ये सेकेंड प्रोडक्ट है मैरी गोल्ड का, इस तरह से रेड ऑरेंज और येलो में मिक्स, ये डेकोरेशन फ्लावर, पूजा में या किसी भी तरह के डेकोरेशन में आप इसे यूज कर सकते, इसे तो पूजा में या फिर फेस्टिव सीजन में इसे ज्यादातर यूज कर सकते हैं। आप इसे यूज होने के बाद आप फिर से इसे अच्छे से रख सकते हैं पैकेजिंग में, और इसे आप नेक्स्ट ईयर भी यूज कर सकते हैं। ये मुझे 5 के सेट में रिसीव हुआ है, 350 रुपीज में मुझे ये 5 का सेट मिला है, 1, 2, 3, इसी के साथ अटैच है 3, 4 एंड 5, ये मुझे 5 लड़ी रिसीव हुई है मिसो से, काफी अच्छी पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुई है, और इसे आप पूजा में या फिर डेकोरेशन में कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, और फिर यूज करने के बाद आप नेक्स्ट ईयर के लिए इसे अच्छे से पैकेट में पैक करके रख सकते हैं। 350 रुपीज इसका प्राइस मुझे रिसीव हुआ है, बड़ा था। गाइज, ये मेरा थर्ड प्रोडक्ट है और इसे मैंने अमेजोन से परचेज किया है, इसे मैंने पहले भी यूज कर चुकी है, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रिप है, ये डबल साइडेड टेप है जो हम किसी भी सीनरी में या फिर फोटो फ्रेम में यूज करते हैं, और किसी भी तरह का डेकोरेशन कर रहे हैं, वॉल हैंगिंग में कुछ भी लगा रहे हैं तो इसका यूज होता है, ये वॉल पे बहुत ही अच्छे से दोनों साइड से स्टिक हो जाता है, तो इस तरह से ये मुझे आया है, काफी मोटी लेयर है इसके अंदर। ये मुझे थोड़ा कॉस्ट इसके ज़्यादा पड़ा, लेकिन इसका गम काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छे से स्टिक रहता है, तो फिर भी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे ये मिल गया, 350 रुपीज़ इसका मुझे प्राइस पड़ा था। अगर आप लोग को इसकी नीड होगी तो आप लोग ले सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइज, मेरा फोर्थ प्रोडक्ट है ये फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज किया है,
ये सब सारे प्रोडक्ट मैं अपने पूजा रूम को डेकोर करने के लिए मंगवाई हूँ। ये वॉल पे आप वॉल हैंगिंग है, ये 3.5 फीट की ये स्ट्रिंग्स है, इसमें पॉम्पॉम लगे हुए हैं, रेड और गोल्डन कलर की, रेड कलर की पॉम्पॉम है और गोल्डन से इसे यहाँ साइड में थोड़ा सा ब्राउन मटेरियल है कुछ डाला हुआ बीच बीच में, और इस तरह से आप देख सकते हैं बीच में गोल्डन की बीड्स दी हुई है और यहाँ पे हैंग करने के लिए यहाँ पे रिंग दिया हुआ है दोनों साइड से। डोर के दोनों साइड आप इसे यूज कर सकते हैं। 3.5 फीट की है, बहुत ही खूबसूरत है और ये अभी काफी चल रहा है मार्केट में भी, आपको अभी जगह जगह आपको ये दिखाई देंगे। ऑनलाइन में भी ये काफी फेमस है, बहुत सारे लोग इसे ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं और काफी खूबसूरत लगता है। आपको नजदीक से दिखा देती हूँ, इस तरह से है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे नीचे में दो बेल लगी हुई है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये मुझे अंडर 200 में ये दोनों रिसीव हुआ है, बट अभी इसकी प्राइस शायद बढ़ गई है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा पूजा रूम डेकोरेशन देखना है, उसका मेकओवर देखना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर लीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली में उसे शेयर कर दीजिए। और हाँ, साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो फ्रेंड, मेरा ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है मल्टी कलर वॉलपेपर, बट अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुआ था और इसकी शॉर्ट्स मैंने डाल दिया है अपने चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं, कुछ सेकंड की वीडियो रहती है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए जाकर। तो इस तरह से है ये वॉलपेपर, आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं इसकी कितनी लेंथ और विड्थ है। मैं काफ़ी ये लंबी चौड़ी है और काफ़ी इसमें देखिए, आप इस तरह से देख सकते हैं अंदर में काफ़ी ये अंदर आप देख ही सकते हैं काफ़ी लेयर है। अभी तो मैंने लगाया नहीं है बट मैं देखती हूँ मैं पूरा वॉल को ये कवर कर पाता है या नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर से ऑर्डर कर दूंगी, बट मुझे लगता है ये आराम से मेरे पूजा रूम में एक वॉल पर आ जाएगी जहाँ तक मुझे इसकी नीड है। यह बहुत ही खूबसूरत कलर की मुझे ये वॉलपेपर रिसीव हुई है, बहुत ही खूबसूरत इसका प्रिंट है, आप देख सकते हैं ग्रीन लीव्स और पिंक कलर के यहाँ पे फ्लावर दी गई है। सो फ्रेंड, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। सो फ्रेंड, मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये वॉल स्टिकर कृष्णा का, मैंने मंगाया है, मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये स्टिकर है कृष्णा की। सो गाइज, मैंने फर्स्ट टाइम वॉलपेपर और स्टिकर यूज़ किया है, तो देखिए किस तरह से ये आया है। इस तरह से ये वो आ गया उसको, इस तरह से ये आया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फुल लुक बनने के बाद ये इस तरह से आएगा। मैं इसका क्लीन पिक्चर आप लोगों को अभी जस्ट दिखाती हूँ बैक कैमरा से, देख सकते हैं यहाँ पे ग्लैप्स की पिक। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लैप्स की पिक्चर बनी हुई है और नंबरिंग दिए हुए हैं, जैसे जैसे आपको कैसे कैसे इसको लगाना है, स्टेप बाय स्टेप आप इसे लगा सकते हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई है और यहाँ पे गाय की बातचीत जिसको हम लोग बचरा बोलते हैं, और इसका ये फुल लुक इस तरह से ये लगेगा। यहाँ पे कृष्णा है और यहाँ पे इस तरह से क्रैप्स है बना हुआ, ये हुआ इसका एक एक पेपर। इसके बैक में इस तरह से ये देखिए काफी खूबसूरत है ये, और ये लगने वॉल पे लगने के बाद कैसा लगता है ये पूजा रूम जब मैं अपना डेकोर करूंगी, दिवाली से पहले वो वीडियो आ जाएगी, तो फ्रेंड आप लोग जरूर देखिएगा। और फ्रेंड, ये वाला स्टिकर मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया, बजट फ्रेंडली है, ओनली 90 रुपीज़ में मुझे ये स्टिकर रिसीव हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। गाइज, मेरा लास्ट प्रोडक्ट मिंत्रा से है, मैंने सोचा इसी हॉल में मैं उसे एड ऑन कर देती हूँ। मिंत्रा से मैंने ईयर रिंग मंगाया है, काफ़ी बजट फ्रेंडली है वो और काफ़ी अच्छी प्राइस में मुझे, अभी सेल चल रही थी मिंत्रा पर चल रही थी,
तो मैंने उसे मंगवाया है। 250 उसका रेट है और उसमें मुझे 20 पीसेज मिले हैं, बट अभी उसकी प्राइस थोड़ी सी हाई हो गई है, 400 से ऊपर चली गई है वो। और मैं अभी जस्ट आपको दिखाती हूँ, वो छोटे छोटे स्टड्स आए हैं, तो उसे आप देख सकते हैं एनी ब्रांड से। ये देखिए मुझे ये रिसीव हुआ है, बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे स्टड्स हैं, जिसे आप जींस में या फिर कुर्ती में किसी चीज में भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ, इस तरह से ये आप देख सकते हैं। मैंने इसके शॉर्ट्स भी डाल दिए हैं, जूम करके मैं दिखा रही हूँ, और बैक कैमरा से मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसे कैसा ये लग रहा है। छोटे छोटे इयर रिंग है, आप अपना आपके घर में अगर आप छोटी सी डॉटर्स है टीन एज में है वो भी इसे यूज कर सकती है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी इसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसे आप जीन्स कुर्ती किसी भी चीज में आप यूज कर सकते हैं। इसकी बहुत खूबसूरत, इसका स्टोन जितने भी आप देख रहे हैं काफी अच्छे चमक रहे हैं, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है इसमें, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट परचेज था मिंत्रा से इयर रिंग्स में। सो फ्रेंड आप लोग को ये इयर रिंग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मिंत्रा पे सेल आती रहती है, अगर आप लोग को नीड होगी तो आप लोग इसे ले सकते हैं। अभी आगे दिवाली आ रही है, छठ आ रही है, और बहुत छोटे मोटे ओकेजन आ रहे हैं, भाई दूज है, गोवर्धन पूजा है, उसमें आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यही था मेरा लास्ट प्रोडक्ट, और अगर आप लोगों की मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, ताकि मैं आगे और भी नई नई वीडियो लेकर आ सकूं, और पूजा रूम डेकोर करने के बाद मैं तुरंत ही दिवाली से पहले उसे अपलोड कर दूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। यही थी मेरी आज की वीडियो फ्रेंड, टिल देन बाय।